पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। एक आंसू आ जाए शिफात के लिए काफी। दो रिवायतें वो सुन लो कि किसकी तमन्ना है, जाकिर की तमन्ना नहीं है। पहली रिवायत मेरे मौला सज्जाद की है, वो फरमाते हैं जब भी हमारी मुसीबत में रोया करो, चीख मार के रोया करो। पूछने वाले ने पूछा मौला क्यों चीख मार के रोया करें, क्या करबला से कूफा, कूफा से शाम, हम में से कोई सिस्कियों से भी रोता था उसके सर पे ताजियाने भरे जाते। अल्लामा बस दे रहो, सलामत रहो यार, आबाद रहो। दूसरी रिवायत में किसी किताब से नहीं पढ़ने लगा, दूसरी रिवायत खुदा तुम्हें करबला लेके जाए आखिरी आदमी तक आ जाएगी। इमाम हुसैन का मौजा देखना अजीम भाई, यहाँ खुदा की कसम दूसरी रिवायत किसी किताब में नहीं लिखी हुई, हुसैन के रोजे पे एक इबारत लिखी हुई है, अना कतील लबरा, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी कासिम के टुकड़े चुनते हुए रोया है हुसैन, कभी अकबर के सीने से पंछी निकालते हुए रोया है हुसैन, कभी अब्बास के बाजू उठाते हुए रोया है हुसैन। जुमला सुनना कयामत का जुमला है, आंखों से पड़ा साहिब अनवार खमसा की रिवायत है, पांच तमाचे कायनात में ऐसे लगे हैं खोसा साहब जिसकी वजह से अल्लाह का अर्श कांप गया, हूरों के बाल खुल गए। पहला तमाचा हजरत इब्राहिम के चेहरे पे लगा जब नमरूद ने उन्हें आग में फेंकवाया, अल्लाह का अर्श हिल गया, हूरों के बाल खुल गए। दूसरा तमाचा बहुत आराम से पढ़ूंगा, दूसरा तमाचा हजरत यूसुफ के चेहरे पे लगा जब माँ की कब्र रास्ते में आई और यूसुफ कब्र के रिंग में रोना शुरू कर रहे थे, तो ऐसे में जिसके कैदी थे उसने यूसुफ के चेहरे पे तमाचा मारा, अल्लाह का अर्श लफ्जे में आ गया, हूरों के बाल खुल गए। तीसरा तमाचा मोमिन बर्दाश्त करे उसका अपना मुकद्दर सैयद हो, हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूँ। इमाम हुसैन मदीने की गली में भाई के साथ जा रहे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई साथ साथ चलते, अचानक हसन ने भाई को रोका, भाई को कहने लगे भैया हम इस गली से नहीं जाएंगे। हुसैन ने कहा भाई क्यों, क्या बता है, हम इस गली से क्यों नहीं जाएंगे। आवाज आई आगे वो बदमाश खड़े हैं जिन्होंने ज़हरा के चेहरे पर नमक। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सैयदा किसी का मोहताज ना करे ज़हरा की मुसीबत पे रोने वालों। ये तीसरा तमाचा, दो तमाचे सुनो मुझे इजाजत दो। चौथा तमाचा मैदान करबला में उस वक्त लगा है जब हुसैन सज गए आखिर में थे, मर्दल कहता है ऐसे में सकीना बीबी कहती हुरमला के सामने आके चारों तरफ से हुसैन को घेरा हुआ था, कोई तीर मार रहा था, कोई तबर मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, जिसको कुछ नहीं मिलता था वो करबला की कलम खाक उठाता हुसैन के जख्मों पर फेंकता था, ऐसे में चारों तरफ से हुसैन को घेरा हुआ था। जालिमों ने बच्ची दौड़ती हुई आई, एक जालिम ने हाथ में तीर कमान जोड़ा हुआ था, या शेख हल रहता अभी, क्या तूने मेरे बाप को देखा है, इस कमीने ने कमान में तीर को जोड़ा, तीर छोड़ के कहता है जहां तीर जा रहा है वहां तेरा बाबा है, तीर हुसैन की पेशानी में लगा, इधर बच्ची बाप की तरफ दौड़ी, जजर मिल गया इस मलून आगे बढ़ा, माफ करना जिसका दिल दुखे, जजर मिल गया इस मलून आगे बढ़ा, इसने हुसैन की जुल्फों में हार डाला, इसने ऐसा तमाचा मारा, हुसैन की आवाज आई अब्बास मैं अकेला हो गया, अब्बास मैं तन्हा। हजरत अल्लाह सलामत रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। आखिरी तमाचा, आखिरी तमाचा सुनो मुझे इजाजत, और मख्तल कहता है पांचवें तमाचे की कोई तादाद नहीं है कि कितनी दफा तमाचा लगा है, मालूम है ज़ियारत नाहिया में मेरे मौला इमाम ज़माने का सलाम हो मेरा उस मासूमा दादी पर जिसके रुखसारों का रंग करबला से तूफान, तूफान से शाम तब्दील होता रहा। अजीजो सुनोगे, मख्तल कहता है किसी बाजार में ऐसा मौका नहीं आया जब शिमर हलामी ने सकीना को तमाचा न मारा हो, लेकिन सकीना को तमाचा मारा एक शाम के बाजार में ऐसा तमाचा लगा। सज्जाद के पास आके सकीना ने कहा ए भैया सज्जाद शिमर तमाचे मारता है, ना फिर शहजादी ना शहजादे, शहजादे ए मेरे भाई इसे का तमाचा जरूर मारे लेकिन ताना ना दे, ताना क्या देता है।
है, कल समाचार मार देंगे।